क्या होती उतरन। अरे वॉइस की तेरी तो बोनी हो गई। अब देखना तू कैसे फटाफट कमाती है। के लिए पैसे जमा कर रखो, कल के लिए पैसे जमा कर रखो, लेकिन आज का क्या? अरे दामिनी, नानी, आप आई, ये तू क्या कर रही थी? आप दोनों यहाँ कैसे? बैठिए, बैठ बैठ बच्चों। तू इतनी परेशान है, तूने मुझे बताया भी नहीं। ये तो भला हो बच्चों का जिसे मालूम था कि वॉचमैन की बदली कब होती है। जैसे ही वॉचमैन गया, हम दोनों गिलहरी की जैसे घुस के अंदर आ गए। ये तो शुक्र है कि ख्वाजा साहब का तबरुक देने में तुझे आ गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तू इतनी परेशान है। नानी, आपको हम दोनों की फिक्र है, लेकिन इस भगवान जी को तो हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं अपनी इज्जत की आज की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ। कल का खर्चा कैसे उठा पाऊंगी मुझे नहीं पता। मैं तो ये गुल्लक अभी तोड़ने वाली थी। इतना जज्बाती नहीं होते बेटा, तू बहुत भोली है। मैं तुझे समझाती हूँ कि इच्छा के आने वाले कल के लिए पैसे कैसे जोड़े जाते हैं। इस गुल्लक में पैसे डाला कर, ये गुल्लक इच्छा की तकदीर बदलेगा। मेरा एक मुंह बोला भाई है शाहनवाज, उसी ने समझाया कि हम गरीब लोग अपने आड़े वक्त के लिए इस गुल्लक में पैसा जमा कर सकते हैं और इसी पैसे से बीमा ले सकते हैं। तो आज पैसा जोड़ेगी इच्छा के लिए तो कल के लिए खुद ब खुद इंतजाम हो जाएगा। मौसी, सिर्फ 1000 रुपए जमा करने से भी ये स्कीम शुरू हो सकती है। 1000 रुपए? लेकिन मैं 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अरे पगली, हर दिन 10 रुपया भी जमा कर सकती है। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, 10 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक रोज जमा कर सकती है, और जिस दिन ना हो मत कर। हाँ, अगर कभी पैसा जमा नहीं कर पाए तो भी ये पॉलिसी बंद नहीं होती। देख, इसके साथ कोई भी कागज जोड़ने की जरूरत नहीं, ना उम्र का दाखिला, ना डॉक्टर की चिट्ठी, बस सिर्फ अपनी पहचान की एक चिट्ठी चाहिए। और मौसी, 7 दिन में पॉलिसी शुरू भी हो जाती है। दामिनी, जितना तू जमा करेगी उसके 5 गुना ज्यादा का बीमा होगा। हाँ? खुदा ना करे कभी कोई बुरा वक्त आ जाए तो इच्छा की पढ़ाई के लिए पहले से पैसा जमा है ना। और मौसी, गुल्लक में 1 से 2 रुपए जितना भी है वो डाल दो। थोड़ा थोड़ा करके भी काफी जमा हो जाएगा इसमें। ला, मैं इसकी बिस्मिल्लाह करती हूँ। ये मेरी तरफ से 100 रुपए। दामिनी मौसी, मेरे तरफ से भी 5 रुपए। अरे ये पकड़, तबरुक है ख्वाजा साहब का, इच्छा को जरूर खिलाना। मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ, हमारे और साहब के लिए गरम गरम कड़क इलायची वाली चाय लेके आओ। और हाँ, चीनी ज्यादा डालना, और हाँ साथ में बिस्किट भी, और सुनो थोड़ा नमकीन भी लेके आना। और हाँ जरा जल्दी लेके आना, साहब अभी अभी काम से थक कर लौटे। ठीक है, अब जाओ। जी। वैसे तो हम जानते हैं आपने नंदोई जी का दिल जीत ही लिया होगा, पर फिर भी बताइए ना, कैसा रहा आज का दिन आपका ऑफिस में? बताए। हाँ जी, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और नंदोई जी, उन्होंने क्या कहा? अरे वो क्या कहेंगे,
उन्होंने हमें अपने बगल वाली एयर कंडीशन कैबिन में बिठाया। कितनी ठंडी हवा आती होगी ना जी, एकदम नदिया किनारे जैसी। उससे भी ज्यादा ठंडी, एकदम शिमले जैसी। और वो गोल गोल घूमने वाली कुर्सी होती है ना, जो आए सलाम ठोक के जाए। जी आपको सबने सलाम किया जी? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ठाकुर साहब के साले हैं हम, कोई आरे घरे नहीं है। सर सर के आगे पीछे घूम रहे थे हमारे, और हम कुर्सी पे घूम घूम के रॉब झाड़ रहे थे। मजा आ रहा है, कोई हमारी बात टाल दे। जी हमें भी बताइए ना, ये रॉब कैसे झाड़ते हैं जी? अरे छोटे लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी डर जाते हैं, इनके हर काम में नुक्स निकालो। हा? बोलो ये क्या किया बे? हाँ ये क्यों नहीं हुआ? अबे अक्कल बेच के आया क्या? मतलब कोई शरबत लेकर आए ना तो बोलो कि गर्म है, भले ही उसमें बर्फ डली। और कोई चाय लेकर आए ना तो बोलो ठंडी है, भले ही उबलती हुई हो। ये बात तो लास्ट की कही आपने। हाँ जी मेम साहब, चाय। कम इन। ये चाय इतनी ठंडी? हाँ और चीनी इतनी कम? हमने कितनी बार कहा है कि हमें एक कप चाय में 3 चम्मच चीनी और साहब को 1.5 चम्मच चीनी चाहिए होती है। हाँ मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, मिला के दो। क्यों जी रॉब जमा के नहीं? स्ट्रीट फाइटर्स। बाजी। मामा जी। हमारी प्यारी बिटिया। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये क्या मामा जी? जादू। इसे कैसे खेलता है? इससे आप अपने दोस्तों को चकित कर सकते हैं, देखना वो कितना खुश होंगे जादू देखकर। दिखाइए ना मामा जी। ये देखो ये खाली बन आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, खिली 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 छू। पापा आइए ना जीजा जी, थक गए होंगे आप। हम काम से नहीं थकते पुष्कर, पर लगता है आप बहुत जल्दी थक जाते हैं काम से। हम ऑफिस में आपको तलाश रहे थे, पता चला आप घर आ गए। वो हम साइट पर गए थे, वो क्लब वाली जमीन देखने, बस वहीं से सीधा घर आ गए। सोचा कि बाकी काम घर आकर निपटा लेंगे। क्या है ना जीजा जी, आने जाने में बहुत समय खराब हो जाता है। पापा देखिए ना मामा जी हमारे लिए क्या लाए हैं। ये है ना जादू का गेम है, सिखाइए ना मामा जी। वो माचिस की तीलिया गायब कैसे हो गई? तमसा बिटिया, कुछ भी गायब नहीं होता है, सचमुच में थोड़े गायब होता है। क्यों जीजा जी? बस हमने कुछ देर के लिए इसे छिपा दिया था। जी कुछ गलत तो नहीं कहा ना हमने तपस्या बिटिया से? कुछ भी गायब नहीं होता, सब आसपास ही रहता है, भले वो माचिस की तीली हो
कि अनजाने में हुआ कोई हादसा। हमारे कर्मों का लेखा जोखा कुछ देर छिप जाता है बस। कल के लिए इतना ही दूध है। अरे इचकी, क्या क्या देख रही है, बोल ना। इचकी आज तो स्कूल में तुझे किसी ने परेशान नहीं किया ना? और हाँ, तू बस से गई थी ना? इचकी, अब तो तेरी सहेलियां तुझे हवेली वाली नहीं समझती है ना? हाँ? बेटा अगले महीने है ना, अम्मू तेरी ड्राइंग की क्लास लगवा देगी। अम्मू को सब याद है, अम्मू अभी तक भूली नहीं है। हाँ? अम्मू तू छिपा रही है, मेरे को पता है। फिर तू चित्र बनाने सीखने जाएगी ना? हाँ? नहीं अम्मू, अब मेरे को सब कुछ बनाना आता है। मछली, पेड़, झूला, चिड़िया, सब। मुझे रंग भी भरना आता है। मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी समझने लगी है इचकी, पर मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगी बेटा। अपनी मजबूरी को आड़े नहीं आने दूंगी। आ मेरा बच्चा। अम्मो तू चिंता मत कर, देखना अम्मो गुल्लक में ढेर सारे पैसे आएंगे। मैं जल्दी से 5,000 रुपये कमा कर लाऊंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर अम्मो। का मन तो बहुत है, मेरी बेटी को ये फूल बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी, उसी से मिलने जा रहा था। अस्पताल में बहुत ज्यादा बीमार है, पर 10 रुपये दवा के लिए बचाना ज्यादा जरूरी है। अपनी बेटी की छोटी सी खुशी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी है मेरी। मैंने कहा ना बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए साहब। मेरी अम्मू कहती है अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो काम जरूर करना चाहिए। बातें के बहुत खुश होते हैं। आप है ना, ये अपनी बेटी को मेरी तरफ से दे देना। साहब कुछ नहीं चाहिए।
ले लो बेटा, ये लॉटरी का टिकट है। लॉटरी का टिकट मतलब? ये समझो एक किस्मत का जादू, चल गया तो ढेर सारा पैसा मिलेगा और ना चला तो कागज का टुकड़ा समझ के फेंक देना। किस्मत का जादू, चल गया तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। स्कूल भी जाती है, देखना इच्छा तो जरूर जीतेगी।